उकाड़ा में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, नतीजे में 65 साल शख्स जानबाग हो गया। तफसीलात बता रहे हैं अवैस अली जट। आज बिल्कुल हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही की वजह से पेश आया है। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गया। अतला मिलने पर मोटर बाइक सर्वर और एम्बुलेंस फौरी जाए हादसे पर पहुंच गई। रेक्सो टीमों ने लाश को जरूरी कार्रवाई करने के बाद DHU अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जाँ भाग होने वाले शख्स की शनाख्त शफकत रजा वल्द मोहम्मद अली 33 साल तकरीबन सकना 91R के नाम से हुई। जख्मी की शनाख्त बूटा वल्द रहमत 65 साल तकरीबन सकना 252R के नाम से हुई। जी फैसलाबाद से आपको बताते चलें, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट फैसलाबाद की मनशियात फरोशों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाइयां जारी। CPO फैसलाबाद का इमरान आदिल की हिदायत पर NIU की टीम के इंचार्ज वो सुफियान और ASI मियां इलियास, कांस्टेबल हसन शाह तारिक, जज मौसिब डॉगर और उमर डॉगर ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां की। तीन मुलजिमान को 3 किलो 260 ग्राम आइस और 1 किलो 270 ग्राम चर्स समेत रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज किए, हवालात में भी बंद कर दिया। CPO फैसलाबाद ने NIU की टीम को मनशियात फरोशों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करने पर शाबाश दी। मनशियात फरोशों के खिलाफ मजीद कार्रवाइयां जारी रखने का भी अज़्म किया। दलबीर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री से आपको बताएं जी, हवालदार कैसर गफूर शहीद की तीसरी बरसी के मौका पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया। हवालदार कैसर गफूर ने सियाचिन ग्लेशियर में दौरान ड्यूटी अपनी जान का नजराना पेश किया। इनकी बहादुरी पाक फौज के सिपाहियों के लिए एक मिसाल है। मिलाद मुस्तफ़ा में हजरत इलामा मौलाना मुफ्ती समर अब्बास ने खसूसी खिताब किया। हवालदार कैसर गफूर शहीद की बरसी के मौका पर अहले इलाका की जानिब से जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया गया। अलवा के अंदर शहीदों के बुलंद दर्जात के लिए खसूसी दुआओं का इस्तेमाल किया। इनका कहना था की जिंदा कौमें अपने मोहसिनों के रात को फराबोश नहीं करती, शहदा की कुर्बानियां हम सब पर कर्ज हैं। शहीद हवालदार कैसर गफूर शहीद धरती का बहादुर बेटा था। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में कारोबारी शख्स चौधरी राना सजावल, फैसल गफूर, साबिक काउंसलर यूनस अली काउंसलर, सदर मीडिया प्रेस क्लब सुहेल सरवर, सदर अंजुमन ताजान मंडी बाजार असद अब्बास समेत ग्राम मशायख समेत अहल इलाका ने कसर तादाद में शिरकत की। दीपालपुर के नवाही इलाका हुजरा शाह मुकीम न्यू सब्ज मंची में मुबारक ट्रेडर्स पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात। दो कसना मालूम नकाबपोश डाकू असलाह के जोर पर दुकानदार से 1 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार। वारदात की CCTV फुटेज N24 न्यूज HD को मौसूल, जिसमें वाजह तौर पर वारदात करते हुए डाकुओं को देखा जा सकता है। मुतासर शहरी का IG पंजाब और DPO काड़ा से नोटिस लेने का मुतालबा। मुतासरीन का कहना है की डकैतियों का सिलसिला कई रोज से जारी है और पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। साहिवाल रेलवे कब्रिस्तान नजद डिस्पेंसरी रोड के बारिश के गटरों के पानी ने कब्रिस्तान आने जाने वालों का गुजरना मुहाल कर दिया। चनासगाह के मेन दरवाजे के सामने खड़ा गटरों का गंदा पानी डिस्पेंसरी रोड रेलवे कॉलोनी के मुंतजमीन की बेहसी का मुबोलता सबूत। लोग फौजशुदगान का जनाजा पढ़ने के लिए गटरों के खड़े गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। अहले इलाका का कमिश्नर साहिवाल से और डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट साहिवाल से चीफ ऑफिसर बल्दिया से नोटिस लेने का मुतालबा है। लड़काना में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के कॉल पर वकला ने बार के साबिक जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट शिमानुल्लाह लाहौर को धमकियां देने वाले मुलजमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर बार के साबिक जनरल सेक्रेटरी अमानुल्लाह लाहौर ने अपने साथी वकला की अहमद बुच्चे, मोहम्मद रफीक कबड़ू आगा अहमद, आमिर अली अब्बास, अब्दुल गफ्फार डहानी, अब्दुलराव कराई, मोहम्मद सदीक और जिगर के साथ मिलकर मीडिया से बात की कि मैं अपने अजीजों के मुकदमे में इनका वकील था, जिसकी वजह से गुज़िश्ता इतवार को बाद लोगों ने मुझे फोन किया, जान से मारने की धमकियां दी, जिसके बाद हमने SSP लड़काना से मुलाकात की, जिसका हुक्म पर थाना बकापुर में मुलजमान मौला खान लाहौर और वाहिद बख्श लाहौर, मेरे दोस्त लाहौर, अल्ताफ लाहौर, रोशन लाहौर समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गांव के बासर सिकंदर लाहौर, रईस सुबेदार लाहौर और दीगर भी मुलविस हैं, लेकिन बकापुर पुलिस ने अभी तक किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया। मुझे शदीद खतरा है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, IG सिंध पुलिस, DIG लड़काना और SSP लड़काना से मुतालबा करते हैं की जल्द अज जल्द FIR में मुलविस मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। तरंडा मोहम्मद बनाम इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल, तमाम लिंक रोड टूट फूट का शिकार। सिद्धवाली से रामोवालिया खूह मेटल रोड का मनसूबा तहाल मुकम्मल ना हो सका। शहरी सफरी सहूलियात से भी महरूम, तफसीलात बता रहे हैं नईम गुल। जी नईम गुल बताइएगा जी। तरंडा मोहम्मद बनाम सिद्धवाली से
एक रोड जो मेटल रोड जिसका मंसूबा 2017 से शुरू हुआ था, यह तकरीबन 14 मिलियन रुपए से ये मंसूबा शुरू हुआ था, इसका इफ्तिताह भी किया गया था, लेकिन 10 साल गुजरने के बावजूद जो ठेकेदार हैं वो मंसूबा अधूरा छोड़ के चले गए हैं और इस वक्त शहरी शदीद अज़ियत का शिकार हैं। हमारे साथ मजीद शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें किस किस्म की तकलीफ़ है। जी अस्सलाम वालेकुम। 7 साल से ये रोड नहीं बन रहा है और जो ठेकेदार हैं पैसे लेके फरार हो गए हैं, रोड नहीं बना के दे रहे। हम लोगों को बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ़ होती है यहाँ से गुजरने से। हमारी हुकूमत से ही अपील है जल्द से जल्द रोड बना कर दिया जाए हम लोगों को। शुक्रिया जी। शहरियों का कहना है कि इस रोड को फिल फॉर बनाया जाए और जिन्होंने इसकी करप्शन की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जी खिबरू से आपको बताते चलें जी, खिबरू के करीब गांव घाई राजड़ में जमींदार जादम की मुबशना ज्यादतों के खिलाफ काश्तकारों का एहतजाज। काश्तकारों ने एहतजाज करते हुए कहा कि जमींदार हमसे जबरी मुशक्कत करवाता है हमारी बचत। अब जमींदार कहता है कि कौन सी बचत हम मांगते हैं, तो बोलता है कि आपकी बचत नहीं है, मैं कर्ज मांगता हूँ तो मुझे धमकियां देता है। हम गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट कैसे पाले, हमारी दाद सुनने वाला कोई नहीं। और इन्होंने डीसी सांगड़, एसएसपी सांगड़ से मुतालबा किया कि हमारा मसला हल कराया जाए और हमारा हक दिलवाया जाए। बाबा गुरु नानक देव जी के 555वीं जन्मदिन की तकरीबात की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। ननकाना साहब में गुरुद्वारा जन्म स्थान समेत 7 गुरुद्वारों में तजीन और आयश का काम जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा फरुखान अली से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में मौजूद हूँ, जहाँ बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की तैयारियाँ जारी है, रंग प्रोग्राम का काम जारी है। मेरे साथ सरदार सुरजीत सिंह मौजूद है, उसे जानते हैं कि क्या इस हवाले से क्या कहना है इनका। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान और बिलखसूस हुकूमत पंजाब इस वक्त मुतहर्रक है। महकमा औकाफ से लेकर यहाँ डीसी ननकाना साहब जो हैं लंगर के इंतजाम पे फोकस किए हुए हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ 1122 की जो फैसिलिटी दी जाती है, इसके अलावा फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी सिख यात्रियों को, और जो इबादत हैं उसके इख्तिताम पे अखंड पाठ की समाप्ति के बाद एक शानदार आतिशबाजी जो है वो आपको नजर आएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब, बिलखसूस हमारी जो ज़िले इंतज़ामिया है मुतहर्रक है अपने मेहमानों को वेलकम करने के लिए, उनको सहूलियात देने के लिए। इंशाल्लाह बेहतरीन मैनेजमेंट और माहौल आपको नजर आएगा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की तैयारियाँ मुकम्मल है। सरगोधा की तहसील कोट मोमिन के थाना लक्सियां की बात करेंगे, जहां पर एसएचओ लक्सियां शुएब सिकंदर की बड़ी कार्रवाई। खानेवाल से चोरी होने वाली गाड़ी लक्सियां पुलिस ने सियाल मोड़ इंटरचेंज से तहवील में ले ली। मोर्चे में M2 सियाल मोड़ से उतरने वाली गाड़ी के ड्राइवर को रुकने का इशारा किया गया तो ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हुआ। लक्सिया पुलिस की जानिब से मुलजिम की तलाश के लिए नाकाबंदी कर दी गई। मुस्लिम मोहल्ला इस्लामपुरा सरगोधा का रिहायशी है, मुलजिम का शनाख्ती कार्ड भी गाड़ी से बरामद हुआ। पुलिस ने गाड़ी अपनी तहवील में ले ली, FIR दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। इलाका मुकिनों ने पुलिस की इस कार्रवाई को सराहा और नेखाशात का किया, कहा कि कोई भी मुलजिम पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सकता, इलाके को अमन का गहवारा बनाकर ही दम लेंगे। नसीराबाद में कदर चैरिटी के जरिए तमाम 3 रोजा फ्री आई कैंप इख्तिताम पजीर हो गया। कैंप के इख्तिताम पर शिफाई ट्रस्ट के डॉक्टर्स ने डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद मुनीर अहमद खान काकड़ से मुलाकात की। कदर चैरिटी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कोऑर्डिनेटर सलमान नजर ने इन्हें आगाही फ्राम करते हुए बताया कि 3 रोजा आई कैंप में 134 लेजर ऑपरेशन किए गए। 2000 के करीब मुख्तलिफ आंखों के अमराज की तशखीस के बाद मरीजों को अदवियात फ्राहम की गयी, जबकि नजर में मुश्किल के पेश नजर 700 NAKM भी मरीजों को मुफ्त दी गयी। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर डेरा मुराद जमाली, सैयद अली शाह अब्बासी, MS डॉक्टर शौकत अली खोसा, मंजूर शेराज़ समेत दीगर शिफाई ट्रस्ट के डॉक्टर्स मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर मुनीर अहमद खान काकड़ को कदर चैरिटी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कोऑर्डिनेटर सलमान नजर ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया। डिप्टी कमिश्नर मुनीर अहमद खान काकड़ ने कहा कि कदर चैरिटी की जानिब से नसीराबाद के लोगों को बिनाई की मुश्किल के तदारुक के लिए जो इकदाम किए गए वो काबिल सताइश है। उम्मीद है कि कदर चैरिटी मुस्तकबिल करीब में भी इसी तरह के इवेंट्स को यकीनी बनाने में अपना किरदार अदा करती रहेगी, ताकि लोगों को बिनाई में दरपेश मसाइल का तदारुक किया जा सके। जिले इंतजामिया अफलाह इदारों और लोगों के बेहतर मफाद में इकदाम करने वालों की हर किस्म की मुआवजत को यकीनी बनाया जा रहा है। अशिफा आई ट्रस्ट के डॉक्टर्स की जानिब से जो खिदमात सर अंजाम दी गई वो काबिल तहसीन है और काबिल सताइश है। हमें आवाम के मफाद में सरकार समेत अफलाही इदारों की मदद से बेहतर तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी के लिए इकदाम को यकीनी बनाना होगा। इन्होंने मजीद बताया कि कदर चैरिटी की जानिब से आई कैम्प के दौर रस नतज बरामद होंगे, क्योंकि इस कैम्प के जरिए महंगा इलाज आवाम को मुफ्त में इनकी दहलीज पर ही फ्राहम किया जाएगा, जो की खुशाइंद इकदाम है। SSP
एसएसपी डॉक्टर समीला सोमरू ने जिला घोटकी का चार्ज संभाल कर ही काम शुरू कर दिया। एसएसपी घोटकी डॉक्टर समीला सोमरू का भारी नफरी के हमरा सब डिवीजन रौंती के कच्चे के इलाके का दौरा, सरदार मीर शहरयार खान सर की गाड़ी पर होने वाले हमले के जायब कुआ गाड़ी का तफसीलन मुआयना लिया, जिसके बाद असद शाह दमदमा पर भी गए और वहाँ पर मौजूद पुलिस ऑफिसर से हमले की वारदात के मुतालिक मालूमात ली। एसएसपी को ब्याचू और ब्याफोर पुलिस पिकेट्स पर मौजूद अफसरानों ने कच्चा एरिया और कच्चा के मुख्तलिफ इलाकों के मुतालिक तफसीलन ब्रीफिंग दी। कच्चा एरिया का मुआयना कराया, जिसके बाद रौंती कच्चा का तफसीलन जायजा लिया गया। अफसरान और जवानों को कच्चा में जारी ऑपरेशन के हवाले से जरूरी हिदायत भी जारी की गई। एसएसपी डॉक्टर समीला सोमरू के हमरा डीएसपी मीर फरमा थेलो, अब्दुल कादिर सोमरू, डीएसपी रौंती कमांडो हक नवाज लुलाई, एसएचओ थाना शहीद मोहम्मद लुगारी, गुलाम मुस्तफा मेरानी और दीगर भी मौजूद थे।